और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज होती हुई। तो आप ये देखिए कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और इस बार अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। 28 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। नई सरकार में डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, तो वही सुशील कुमार मोदी बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर, नीतीश कुमार दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा। बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जब जब फैसले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासत में एक अलग ही सरगर्मी हो जाती है और एक बार फिर से नीतीश कुमार के एक बड़े फैसले से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चली है। निश्चित ही, और कल भी जब बैठकों का दौर चला तो ना सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक इसका मंथन चला था। अमित शाह भी दूसरी तरफ बैठक ले रहे थे बीजेपी नेताओं की। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन सूत्रों के हवाले से जरूर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बीजेपी के साथ ही सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। हालांकि जो चर्चाएं चल रही हैं उससे माना जा रहा है कि जल्द ही इस चीज को लेकर ऐलान भी। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ है और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। तो बहुत ही अहम बयान ये कि अगर राजनीति में दरवाजा बंद होता है तो दरवाजा खुलता भी है। और नीतीश कुमार जो कि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं पिछले कुछ वक्त से, और देखा यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक अलग ही तरीके का सियासी घटनाक्रम लगातार चलता जा रहा है। बीजेपी के साथ सरकार अब नीतीश कुमार बनाने के लिए तैयार है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। और दो डिप्टी सीएम भी इस दौरान होंगे। 28 जनवरी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। ठीक है, चलिए अब इस पर हम और ज्यादा अपडेट लेंगे। सीधे आपको लिए चलेंगे पटना, शैलेंद्र कुमार हमारे से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लग रहा है कि पटना में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती हुई, एक नए खेला की तैयारी। बिल्कुल, जो स्थिति है अभी यही बता रही है कि बिहार में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और खासतौर पर देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जो गतिविधियां हैं, सियासी गतिविधियां हैं, वो तेज हैं। महागठबंधन की बात कर लें, इंडिया अलायंस की बात कर लें, तो कई ऐसे मौके आए जब विवाद उभर कर सामने देखने को मिला और तकरीबन एक दर्जन से भी अधिक ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी में विवाद हुआ। और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं कारण भी यही है कि इंडिया अलायंस में बहुत जगह नीतीश कुमार को नहीं मिली, बहुत वहाँ संभावनाएँ नहीं थी, तो इसलिए अब NDA का जो खेमा है उस खेमे से जदयू की बातचीत चल रही है। और ख़ासतौर पर कहा जा सकता है कि ये बातचीत पिछले एक महीने से जारी थी और अब कुछ निष्कर्ष निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि देर रात भाजपा नेताओं की बैठक होती है और उसके बाद सुशील कुमार मोदी जो कि दिल्ली में थे, अभी कुछ देर में वो पटना पहुँचेंगे। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो पटना आ रहे थे लेकिन उन्हें फिर दिल्ली में ही रोक लिया गया है और संभवतः देर शाम तक सम्राट चौधरी भी पटना पहुँचेंगे और उसके बाद कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। दूसरी ओर जदयू के जितने भी कार्यक्रम थे, 28 तारीख को पटना में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये तमाम राजनीतिक हलचल जिन पर नजरें निश्चित तौर पर रहने वाली है पूरे देश की। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जानकारी फिलहाल पहुंचाने के लिए। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।